नमस्कार दोस्तों, आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी सिलेबस के अंतर्गत क्लास 6 की ज्योमेट्रिकल ड्राइंग का क्वेश्चन नंबर 23। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हमारा 23 क्वेश्चन। ए बी रेखा पर बिंदु ए से प्रकार द्वारा 67.5 डिग्री का कोण बनाओ। तो आइए अब देख लेते हैं इस एंगल को विस्तार से। नेक्स्ट जो हमारा एंगल है 23 एंगल, उसमें हमने बनाना है 67.5 डिग्री का एंगल। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो है 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। तो आपने सबसे पहले जो है 90 डिग्री का एंगल बना लेना है, और मैंने भी जो है इसमें पहले से ही बना के रखा है, क्योंकि 2-3 एंगल से आपको मैंने बता दिया है कि 90 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा। तो आप इसको बना लेना, ताकि तो मैंने भी ये पहले ही बना रखा है ताकि वीडियो बहुत लंबी ना बने, तो इसीलिए आपने ये वाला पहले ना लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, तो इस तरह से आपने जितनी प्रकार आपने यहाँ पे खोल रखी है जितनी आपने प्रकार खोल रखी है, आपने प्रकार उतनी ही खोल के रखनी है। और अब आपने क्या करना है, अब आप जो है यहाँ से ये वाली चाप जो यहाँ पे जो आपकी जो जी वाली चाप है, एक चाप आपने यहाँ से जो आपने ये 90 डिग्री जो आपने चाप लगाई थी, इसी को आपने आगे की तरफ आपने बढ़ा देना है इस तरह से। और जो ये वाली जो चाप थी आपकी 90 वाली, मतलब 60 और 90 के बीच में जो है आपने चाप लगा लेनी है इस तरह से। तो जहाँ पे दोनों चापें आपस में कट रही है, उसको आपने बिंदु ए के साथ मिला लेना है। ध्यान रहे, ये वाली जो लाइन है आपकी, वो लाइन भी जो है आपकी डॉटेड लाइन आ जाएगी, और ये वाला जो एंगल है आपका, ये बन जाएगा आपका 75 डिग्री का एंगल, मतलब 75 डिग्री का ये आपका एंगल बन जाएगा। कहाँ कहाँ से चापे लगाई आपकी, जो 60 वाला था और आपका 60 और 90 के बीच बीच जो है, या आपने जी और आई से जो ये डॉट है यहाँ से आपने चाप लगाई, तो ये बन गया आपका 75 का। अब हमें क्या करना है, हमने बनाना है 67.5 डिग्री का। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो आपकी बुक में जो एंगल दिया गया है वो सही नहीं है, आप इस बात का ध्यान रखना है, बुक के इस पे ना करें। तो आप चाहे तो जो है अपने डी की सहायता से भी इस एंगल को चेक कर सकते हैं। तो अब इसके बाद आपने क्या करना है, जैसे कि आपने प्रकार आपने उतनी ही खोल के रखनी है जैसे आपने यहाँ से की थी, अब आपने यहाँ से बिंदु जी से ही वही चाप जो आपने 90 के लिए भी लगाई थी और आगे जो 75 के लिए भी, यही चाप को जो है आपने आगे की तरफ आपने बढ़ा देना है। और अब जो आपकी जो दूसरी चाप लगेगी, वो यहाँ से जो आपका 75 जो आपने ये वाले जो चाप जो आपकी लाइन है, यहाँ से जो है आपकी दूसरी चाप लग जाएगी इस तरह से, जो थोड़ी सी सी के साथ जैसे आ जाएगी यहाँ, जैसे यहाँ यहाँ से 75 वाली लाइन के पास 75 वाली, और ये वाली 90 और 60 के जो आपने हाफ किया तो 75 हुआ, और 75 और 60 से जो के बीच में अगर आपने जो है दो चापे आपने लगा लेनी है, और जहाँ पे दोनों चापे आपस में कट रही है, तो उसको आपने बिंदु ए के साथ आपने मिला लेना है। और इस तरह से ये वाला जो हमारे जो लाइन है, ये हमारी डार्क लाइन आ जाएगी, और यही वो एंगल है जो 67.5 डिग्री का एंगल बन के हमारे सामने आ जाएगा। और ध्यान रहे, 60 के साथ ही है ये 67.5 और 75 के थोड़ा बीच में जैसे ये आ जाएगा। तो आप चाहे तो इसको डी की सहायता से भी आप इसको दे सकते हैं। तो अगर आपके पास डी है, डी इसको हम बोलते हैं, और इसको हम जो है प्रोटेक्टर भी बोलते हैं, तो इस तरह से आप इसकी सहायता से भी इसको देख सकते हैं। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, मैंने ये इसलिए किया क्योंकि जो आपकी बुक में जो आपको एंगल दिया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आप ये वाली जो आपकी लाइन है, ये वाली लाइन जो है आपकी, वो बिल्कुल यहाँ पे जो है बिल्कुल 67.5 के पास है। तो आप चाहे, और आपको ये देखनी भी आनी चाहिए कि बिल्कुल जो ये वाली लाइन है, ये बिल्कुल जो है जी हाँ जैसे बिल्कुल सीधी लाइन होनी चाहिए, और जो बिंदु आपका ए है, बिल्कुल ए यहाँ पे जो है, ये जो सेंटर वाला जो पॉइंट है, ये यहाँ पे होना चाहिए। और जो जो 90 वाली जो लाइन है, अगर आपकी ये लाइन सीधी है तो आपका 90 डिग्री का एंगल बिल्कुल सही है, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो अगर आप चाहे तो आप डी की सहायता से भी ये वाले एंगल आप चेक कर सकते हैं। तो पर जो बुक में दिया गया है, बुक में थोड़ा सा जो है गलत बताया गया है, उसमें आपको पहले 90 के बाद 45 का एंगल बनाया गया है, बट इसमें एंगल बनेगा 75 का, और 75 के बाद बनेगा आपका 67.5 डिग्री का एंगल। तो इस तरह से ये वाला एंगल हमारा कंप्लीट हो जाता है।